सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के मैं मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये सिमरी बख्तियारपुर का प्रचलित जगह है जो खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर है उनका आवास है। ये ठीक इनके सामने आप देखेंगे एक घर को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये कैमरामैन को बोलूँगा कि ये घर दिखाएं। ये घर आप देखिए, इस घर को आप हल्के में ना आंकें क्योंकि इस घर से बहुत गरीब लाचार और जो परेशान लोग हैं उनको मदद मिलती है। अब किस तरीके की मदद मिलती है आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो यहाँ पर रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर है तो कौन सी बड़ी बात है और क्या है यहाँ पर, तो मैं बताना चाहता हूँ ये ऑक्सीजन सिलेंडर काफ़ी महंगा आता है। जब कोरोना काल आया था तो लोग काफ़ी परेशान थे, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, बिहार हो, यानी कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। सिलेंडर मिल नहीं रहा था, सिलेंडर की मारामारी हो रही थी, ब्लैक हो रहा था सिलेंडर। उस टाइम में ये जो घर है, जिनका घर है, हालांकि वो नाम बताने से इनकार किए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरा कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उनका नंबर दे देंगे, नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको नंबर स्क्रीन पर भी शो होगा। आप उस नंबर से 24 घंटा 24/7 24 घंटा आप इनसे संपर्क में रह सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की, किसी भी मरीज़ को आवश्यकता होगी ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वो यहाँ से मुफ्त में ले जा सकते हैं। जो पैसा नहीं दे सकते हैं, जिनके पास नहीं पैसा है, जो बिल्कुल गरीब लाचार लोग हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्कुल फ्री है। जो पैसा देने के काबिल है, जो कमाते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो ये सिलेंडर उनको मात्र 200 रुपये में दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये शख्स जो है कोरोना काल में बहुत लोगों का हेल्प किया और लगातार 200 से 300 सिलेंडर के बीच लगातार इनका कोरोना काल में रनिंग में रहा और काफ़ी लोगों का मदद हुआ उस समय। उस समय थोड़ी बहुत भूल चूक भी हुई, इनसे कुछ लोग सिलेंडर उठा करके ले जाते थे, कुछ संस्था वाले भी ले जाते थे और उनका दुरुपयोग करते थे, लेकिन खैर इस मैटर पर नहीं जाना है। और सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको कहीं भी, आपको सहरसा ज़िला, बिहार, पूरे भारत में कहीं भी आपको ज़रूरत अगर पड़ती है, ज़रूरतमंद है और उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा ऑक्सीजन सिलेंडर, और ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको चाहिए तो सीधा आप सिमरी बख्तियारपुर पहुंचिए। और सिमरी बख्तियारपुर में जो स्टेट है, स्टेट के ठीक सामने जो मैंने घर दिखाया था, उस घर में आप पहुँचिए या जो मोबाइल नंबर दिया हुआ उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल कीजिए। ये नहीं कि रात हो गया तो हम कॉल नहीं करेंगे, अगर आपको 2 बजे रात में 3 बजे रात में ज़रूरत होती है तो आप डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करें। 24 घंटे आपको सेवा मुफ्त मिलेगी। जो गरीब है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो बिल्कुल गरीब है, जो पैसा नहीं है उनके पास, वो कमाते नहीं हैं, बिल्कुल लाचार हैं, उनके लिए ये सिलेंडर बिल्कुल फ्री है। और जिनको पैसा है, जो कमा रहे हैं, जो पेएबल हैं, उनको मात्र 200 रुपये में ये सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता देते हैं और आपको मालूम भी होगा बखूबी कि ये सिलेंडर मार्केट में काफ़ी महंगा आता, तो ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट भी क्या करें, ऐसे लोगों से सपोर्ट लिया भी करें। और बराए मेहरबानी जो ऐसे लोग जो सेवा देते हैं उनके साथ फ्रॉड नहीं किया करें, क्योंकि कुछ लोग जो है, सुनने में हमको ऐसा भी आया था कि कुछ लोग कोरोना काल में जिस समय देश में हाहाकार मचा हुआ था, लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे थे, तो ऐसे लोग जो शरीफ लोग होते हैं, जो लोगों की मदद करना जानते हैं चाहते भी हैं, उनके साथ कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं, उनका सिलेंडर लेकर के कहीं भी सेल कर लेते हैं। कुछ लोग, आपके आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव भी जो है कुछ मेडिसिन वगैरह बांटा करते थे, उनका भी लोग दुरुपयोग करते थे, तो खैर आने वाले समय में ये सब होता रहता है, ये आप मैटर नहीं करता। लेकिन ये सिलेंडर आपको अगर चाहिए तो बिल्कुल आप बेझिझक सिमरी बख्तियारपुर पहुँचे। सिमरी बख्तियारपुर स्टेट के सामने ये घर है और उस घर में आ करके आप डायरेक्ट उस घर पे बेल बजा सकते हैं, आप डायरेक्ट उनके फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे सुबह में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक कॉल पर आपको ये सिलेंडर हाजिर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।